या संघर्ष के तो कोई मान नहीं बनता जब तक पत्थर बोली छीनिए तड़ो की मान नहीं पड़ता ना, पत्थर भी भगवान बनता है क्या? इसलिए तो बिना संघर्ष के कोई मान नहीं बनता जब तक पत्थर पर भी छीने तोड़ की मार नहीं पड़ता ना, वो पत्थर भी भगवान नहीं बनता। वो पत्थर को सोचो, जब वो एक मूर्ति बनाया गया, वो ऐसे बन गया क्या? ऐसे बन गया क्या? उसके सारा बहुत सारा पत्थर रहता होगा ना, वो लोग तो बना नहीं है। इसलिए वो सक्सेस इसलिए है लोग उसके ऊपर माला चढ़ रहा है, फूल चढ़ा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आठ ही लोगों को बहुत सारा फूल से स्वागत होता है ना, होता है कि नहीं? याद करो एक दिन वो लोग भी सिटी लेवल में बैठा था, बैठा था ना हम लोग की तरह, वो भी लोग सीखा था लिखा था, फिर जाके वो लोग का पास इतना फूल बरस रहा है। आर डी को देखता उसको ऊपर फूल बरस रहा है, जी डी को देखो उसका ऊपर फूल बरस रहा है, डी डी को देखो उसका ऊपर फूल बरस। क्यों बरस रहा है? क्योंकि वो लोग पहले गला है, अपने आप को पहले खूब झेला है बहुत सारा चली। इसलिए आप लोगों को भी परेशानी आएगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं आएगा, वो लोगों को भी परेशानी आया था तो हम लोग को भी आ सकता है, नहीं आ सकता है क्या? इसलिए बिना संघर्ष के कोई मार नहीं बनता जब तक पत्थर पर छेनी तरह के मार नहीं पड़ता ना, वो पत्थर भी भगवान नहीं बनता। दोस्तों सोचने की बात है, समझने की बात है, इस जीवों में संसार में कितना सारा जीव है पता है आपको? गाय है, बकरी है, कौवा है, कुत्ता है, बहुत सारा चीजें मालूम है ना, इतना सारा चीजें मुझे भी नहीं मालूम है। क्या सभी जीव पैसा कमा लेते हैं? कमाते हैं। कौन कमाते हैं पैसा? सब लोग सपोर्ट करो यार, खाना खा के नहीं आए हो क्या? नाश्ता नहीं करे हो? जब तक सपोर्ट नहीं करोगे बात करने का मजा नहीं आएगा, छोड़ दूंगा वहाँ पे जाकर बैठ जाऊंगा, मालूम है ना? मेरा आदत है जो सपोर्ट करेगा मैं बात करूंगा, नहीं तो नहीं। कितने कितने जीव है? बहुत सारा जीव है ना। पैसा कितने जीव कमाते हैं? इंसान ही कमाता है। भूखे पर कभी मरता है क्या? नहीं मरता है। इसलिए जिंदगी आप बाहर भी काट सकते हो, ये महीने को तो नहीं काट सकते हो, मैं भी काट सकता हूँ, आप भी काट सकते हो। एक कुत्ता भी जिंदगी काटता है, काटता है कि नहीं? वो भी भूखे नहीं मरता। दोस्तों सोचने की बात है, संसार में बहुत सारा जीव है, वैज्ञानिक का कहना है 64,000 जीव है, 64,000 में से एक ही जीव पैसा कमाता है, केवल वो क्या है? इंसान। और उससे अजीब बात यह है कभी भूखा मरता नहीं है, मरता है क्या? इसलिए दोस्तों हम लोग का मौका मिला है जिंदगी में, यहाँ पे कुछ करने का, कुछ करके दिखा दो, नहीं तो आप बोलोगे ना मैं कहीं कहूँगा घर जाकर बैठ जाओगे, जिंदगी काटोगे की तरह मर जाओगे, संसार में कोई याद नहीं करेगा। मालूम है हम लोग की जिंदगी बहुत अच्छा है जो यहाँ पे आए हैं, मौका दिया आप लाइन जिंदगी में कुछ करो, है कि नहीं? अगर इस मौके को हम लोग गवा दिए तो क्या करेंगे? मैं भी आने से पहले मालूम है बहुत पैसा कमाता था, बहुत पैसा, इतना पैसा कमाता था ना कि मैं रखने का जगह नहीं था, खर्चा करने नहीं पाता था। मैं होटल में जाता था ना, 100 रुपए पहले बैठने का देता था, फिर खाना खाता था। दिल्ली से कितने लोगों को लोग यहाँ पे है जो दिल्ली गया है? नहीं मालूम है ना, उधर जाओगे ना नई दिल्ली में पूछ लेना करीम होटल कौन सा है, जामा मस्जिद में है, 100 रुपए का बैठने का लेता है, फिर वहाँ पे खाना खाना पड़ता है अलग से। वो बंदा हूँ मैं आज, अभी टेन दे रहा था जो बनने के लिए मुझे पता है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं मिलने वाला मुझे नहीं है। मैं बहुत जगह घुमाऊँ, मुंबई घुमाऊँ, दिल्ली घुमाऊँ, हैदराबाद घुमाऊँ, चेन्नई घुमाऊँ, पंजाब घुमाओ, मेरठ घुमाओ, लुधियाना घुमाओ, सब जगह घूम के छोड़ दिया हूँ मैं। ये हाइट छोटा है ना, ऐसा मत देखो भाई, अपनी जिंदगी मेरा जिंदगी का सोना बहुत है। मैं इतने रुपए से शुरुआत किया हूँ ना अपनी जिंदगी में कमाना, यहाँ पे कोई नहीं है 5 रुपए से जो अपनी जिंदगी में शुरुआत किया हो काम करने के लिए। कोई बंदा है क्या 5 रुपए दिन काम करे यहाँ पे बैठा हुआ, बता दो मुझे है कोई क्या? इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ इस दुनिया में तो जीव बहुत सारा है, केवल इंसान ही पैसा कमाता है, उससे अच्छी बात यह है कोई कभी भूखा मरता नहीं है, है कि नहीं? दोस्तों जिंदगी में कठिनाई आए तो कभी उदास मत होना आप लोग, जिंदगी में कठिनाई आए तो उदास मत होना, जिंदगी में परेशानी आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को दिए जाते हैं। जो नया एक्टर बनेगा उसको क्या सलमान खान उसको देगा अपने फिल्म बनाने के लिए? क्या वो बनाएगा जाके? क्या बताओ, खराब कर देगा तो पब्लिक देगा उसका फिल्म को? इसलिए जिंदगी में कितना भी कठिनाई आए कभी उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को दिए जाते हैं, आइए नहीं दोस्तों। इसलिए आप लोग इतना, मैं भी हूँ, मैं वीडियो बहुत देखता हूँ, मालूम है वीडियो देख के उसको लिखता हूँ, कुछ फिल्म देखता हूँ ना उसको लिखता हूँ। जिंदगी एक सीखना ही एक जिंदगी है, और जिंदगी एक किताब की तरह है, सीखना ही एक जिंदगी है, जिंदगी एक किताब की तरह है। आप जिंदगी में जितना सीखो फिर भी कम है। आप बोलोगे ना मैं सीख के अपने मेमोरी को भर दूंगा, वो कभी भरने वाला नहीं है। जितना भी सीखोगे कम है, क्या बनने वाला है क्या? No, sir. कुदरत का दिमाग है, कुदरत का दिया हुआ मेमोरी है भाई, ये कभी भरने वाला नहीं है। Yes, sir. आप बोलोगे मैं बहुत सारा ट्रेनिंग क्लास लेते हूँ, मेरे को क्या लेने है? ले लिए होंगे जरूर, पर मालूम है देने का टाइम में बहुत दिक्कत होगा। Yes, sir. मालूम है ना, इतना दिक्कत होगा ना आप कभी सोच भी नहीं सकते, इतना दिक्कत मेरे को क्यों हो रहा है, ट्रेनिंग क्लास में। उसकी जिंदगी एक किताब की तरह, और सीखना है जिंदगी है अच्छे काम करने के लिए ना, किसी को वो लेने की जरूरत नहीं है, इजाजत लेने के लिए नहीं है, मैं करूँ या ना करूँ। इसके लिए दोस्तों मैं वो बात बताऊँ आपको, इसका बात मत बोलना, इन
दुनिया में तो बहुत सारा जीव है, केवल सभी जीवों में एक जीव पैसा कमाता है, इंसान उससे अच्छी बात है कि ये मरते नहीं है, है कि नहीं दोस्तों। जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत तो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि एक बात बताओ को श्री राम ने भी बहुत मेहनत करा था, एक राजा था वो, एक भगवान था, है कि नहीं, बता दर आप सब लोग को था कि नहीं। क्या वो जंगल में चलता, क्यों चला जंगल में, जंगल में क्यों चला, हम लोग क्यों जैसे चला था ना, आज रावण को नहीं मरता तो कैसे क्या नहीं हो जाता, वो जानबूझ के चला था, कांटों में नंगा पैर चला था, क्यों चला था वो लोगों को मिटाने के लिए जो इस धरती पर गलत काम कर रहा था, है कि नहीं। वो क्या कर रहा था, वो छल कपट और शेर के रास्ते पर चलने वाला क्या था, रावण, है कि नहीं। और अच्छे रास्ते पर चलने वाला कौन था, सक्सेसफुल रहा मिला है कि नहीं, सफल हुआ है कि नहीं, हुआ है ना, और रावण का सफल हुआ क्यों, क्या करता था वो छल कपट और शरीर के रास्ते पर चलने वाले लोग अपने कर्तव्य का शिकार बन जाते हैं, उसको पहचानने नहीं पाया, उसका रावण को भी मौका दिया था बचने का, दिया था कि नहीं, किसी जरिए से मौका दिया था, पहले हनुमान का जरिए से मौका दिया था, लंका भेजा था उसको समझाने के लिए, रावण को समझाने के लिए भेजा था कि नहीं, भेजा था, उसके बाद नील को भेजा था, रावण ने माना नहीं, मैंने वो मौका माना नहीं, क्यों मौके को पहचान नहीं पाया, इसलिए उसका ये हाल हो गया, इसलिए आपको मौका मिला है, आज मौके को समझ जाओ, समय बदलना, आज खुद को बदल लो, मालूम है जितने समय बदलेगा ना बहुत दिक्कत होगा, मालूम है ना, देख लो महंगाई का रेशियो कितना उससे भर रहा है, भरता है कि नहीं। जब मैं पहले कमाने आया था तो मेरा कितना सैलरी था मेरठ में, मालूम है आपको बता दूं, 400 रुपए सैलरी था, 400।